मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको वाणिज्य संचालन में पार्ट दो धनराशि सेवाओं का भाग इसके विषय में बताऊंगी। तो बच्चों, हमने शुरुआत में बीमा के विषय में जाना, बीमा के बाद डाक सेवा के विषय में जाना, डाक सेवा के बाद गोदान के विषय में जाना, गोदान के प्रकार के विषय में जाना, अब है वाहन व्यवहार और परिवहन की सेवाओं के विषय में हम जानेंगे। बच्चों, इन सब चीजों का उपयोग धनराशि सेवाओं में होता है। तो पहला है भूमि मार्ग में रेलवे मार्ग आता है। तो रेलवे द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का परिवहन होता है। बच्चों, रेलवे द्वारा मनुष्य और माल परिवहन का मनुष्य और वस्तुओं का परिवहन होता है। इंजन में सामान्य रूप से डीजल का उपयोग चालक बल के रूप में किया जाता है। कई बार ट्रेन के सभी अथवा कुछ डिब्बों में चालक शक्ति होती है। कई बार ट्रेन के कुछ डिब्बों में चालक शक्ति होती है, जिसे हम मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहते हैं। रेलवे में आज चालक शक्ति के रूप में केबल, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ति का भी उपयोग होता है। भारत में अभी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का चालक बल के रूप में उपयोग करने वाले इंजन का उपयोग प्रारंभ हो गया है। शहरी विस्तारों को जोड़ने वाली और शहर के मध्य चलने वाली ट्रेन वाहन व्यवहार के रूप में पीठ रीढ़ की हड्डी के रूप में सिद्ध हुई। जैसे हमारे पीठ के ये रीढ़ की हड्डी का महत्व बहुत अधिक है, उसके वैसे ही वाहन व्यवहार में CNG का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क मार्ग, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पे जाने के लिए मुक्त होता है। यानी सड़क मार्ग क्या रहता है, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पे जाने के लिए पूरा एकदम स्वतंत्र होता है। स्थान, दिशा, गति और समय में सुविधा अनुसार परिवर्तन संभव होता है। मतलब स्थान, गति, मतलब कि जिस स्थान पे आप जाना चाहो, जिस स्थान पे जिस तरफ आप जाना चाहो, उसके लिए पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र रहते हैं। उसमें मतलब संभव रहता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। जो अन्य वाहन व्यवहार के प्रकारों में सरल नहीं है, जो अन्य वाहन व्यवहारों में ये सुविधा नहीं होती है। सड़क मार्ग द्वारा घर के दरवाजे तक वाहन सेवा देना संभव होता है। देखो, सड़क मार्ग द्वारा क्या है, घर के बाहर तक आप मतलब घर से बाहर निकले तुरंत रिक्शे या कार वगैरह में बैठे आपको जहाँ जाना था वहाँ गए, फिर वहाँ से आप तुरंत घर के सामने उतर के अपने घर में आ जाते हो। तो ये सड़क मार्ग द्वारा हमें संभव है। अगर हम बोले रेलवे मार्ग द्वारा संभव है, तो रेलवे मार्ग द्वारा न हम अपने घर से बाहर निकल के तुरंत बैठ सकते हैं, न वहाँ से उतर के हम तुरंत घर में जा सकते हैं। तो ये आपको सड़क मार्ग के द्वारा ही ये सब चीजें उपलब्ध हो सकती है। बस द्वारा अधिक व्यक्तियों का वाहन योग्य रूप से होता है। बस के द्वारा व्यक्तियों का वाहन अधिक लोगों का एक साथ होता है। ट्रक द्वारा हल्के वजन वाले माल कम दूरी वाले स्थानों के बीच परिवर्तन किया जाता है। ट्रक द्वारा क्या है, हल्के वजन वाले माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिए जाते हैं। वाहनों के निरंतर बढ़ते उपयोग के कारण वायु प्रदूषण, देखो वाहनों का जिस तरह उपयोग हो रहा है धीरे धीरे वैसे अपना पर्यावरण दूषित भी हो रहा है। जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड वगैरह की आवाज जो होती है, ट्रैफिक जाम और पार्किंग जैसे प्रश्न पैदा होते हैं। मतलब कि जब वाहन वगैरह की सुविधाएं हो गई तो वायु का प्रदूषण बढ़ा, ध्वनि का प्रदूषण बढ़ा, जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गई है, ये सब की दिक्कतें पैदा होने लगी। अब बहुत से शहरों में BRT बस यानी बस रिप्यूट ट्रांसिट सिस्टम का उपयोग प्रारंभ हो गया है। इन बस के लिए विशेष रास्ते आरक्षित किए गए, मतलब कि ट्रैफिक जाम न हो इसलिए इन लोगों के लिए दूसरा रनवे यानी दूसरा रूट चालू किया गया है। इन पर अति शीघ्रता से शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता है। दो बसों के बीच समय अवधि कम होने से सेवा का सातत्य बना रहता है। अभी गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में BRT बस की सुविधा उपलब्ध की गई है। अब है तीसरा जल मार्ग।
जल मार्ग समुद्र, तालाब, नहर आदि जल मार्ग में नाव, जहाज या अन्य साधनों से जल मार्ग वाहन व्यवहार होता है। इन सब चीजों से जल मार्ग का वाहन व्यवहार होता है, यानी जल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान से जाया जा सकता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल सामान भेजा जा सकता है। दो नजदीक समुद्र तटों के स्थान अथवा वहाँ जल के समतल भूमि हो, वहाँ बड़े पंखे से चलने वाले ओवर क्राफ्ट का उपयोग होता है। विशाल बांध बनाकर नहर द्वारा जल दूर स्थान तक पहुँचाया जाता है। इन नहरों का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है। विदेशी व्यापार सबसे अधिक जल मार्ग द्वारा होता है, मतलब विदेश में एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। प्राचीन काल से ही जल मार्ग का उपयोग होता आया है, इसलिए जल मार्ग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब है लास्ट पाइपलाइन द्वारा परिवहन। देखो तरल अथवा गैस जैसे उत्पादनों के लिए पाइपलाइन अधिक उपयोगी होती है। जो बच्चों घरों घरों घर घर में आज गैस पाइपलाइन है, वो कैसे जमीन से के अंदर से वो पास हुई है, इसलिए तरल अथवा गैस जैसे उत्पादनों के लिए पाइपलाइन अधिक उपयुक्त है। यानी कि तरल और ये गैस जैसे पदार्थ है, इनके लिए पाइप लाइन क्या है, अधिक उपयुक्त यानी अच्छी सिद्ध हुई है। तरल कचरे से निकाल पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के लिए व्यवस्था उपयोगी है। मतलब कि जो कचरे निकालना हुआ और पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए ये पाइपलाइन की सुविधा और परिवहन बहुत ही उपयोगी है। उदाहरण के रूप में हजीरा, यानी हजीरा कहाँ है, गुजरात से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन डाली गई है। मतलब गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में परिवहन के लिए पाइपलाइन की सुविधा की गई है। भारत में असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादनों का परिवहन होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने भूमि मार्ग के विषय में जाना, सड़क मार्ग के विषय में जाना, जल मार्ग के विषय में जाना और पाइपलाइन और उसका उससे परिवहन के विषय में जाना। तो बच्चों अगले वीडियो में हम धंधा, ये तो हम जो बीमा के विषय में जाने, उसके सिद्धांत के विषय में जाने, डाक सेवा के विषय में जाने, डाक सेवा के प्रकार के विषय में जाने, फिर उसके बाद गोदाम के विषय में जाने, गोदाम के प्रकार के विषय में जाने, फिर वाहन व्यवहार की सेवाओं के विषय में जाने। ये था धंधाकीय सेवाओं का भाग एक, पार्ट दो था लेकिन धंधाकीय सेवाओं का भाग एक था उसके विषय में जाने। अब हम पार्ट तीन में धंधाकीय सेवाओं के विषय में जानेंगे, जो है बीमा, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।